गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो आप वो शिप देख रहे हो वो जा रही है इज़राइल की तरफ। आगे जो माउंटेंस दिख रहे हैं वो सब इज़राइल, और उधर जो आपको माउंटेंस दिख रहे होंगे वो है इजिप्ट, और यहाँ से अगर आप 10 किलोमीटर आगे जाओगे तो आ जाएगा सऊदी अरेबिया। और अभी हूँ मैं जॉर्डन में और सिटी मेरी है अकाबा। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छी स्कूबा डाइविंग होती है वो होती है रेड सी के अंदर, और जो पीछे आप मेरे देख रहे हो ये रेड सी है, रेड सी का गल्फ अकाबा। और आज मैं यहाँ पर स्कूबा डाइविंग करने वाला हूँ। तो आज उमर भाई के साथ मैं स्कूबा डाइविंग करने वाला हूँ। जैसे मैंने लास्ट ईयर के एंड में स्कीइंग का कोर्स किया था कि अब मैं जहाँ पे भी जाऊँगा ना, चाहे वो फिर एल्प्स हो या फिर यूएस हो, जहाँ पे भी मुझे स्नोई माउंटेन्स मिलेंगे वहाँ पे मैं स्कीइंग करने वाला हूँ। और मुझे जो दूसरी स्किल सीखनी थी वो है ये स्कूबा डाइविंग वाली। मुझे पहाड़ी का ओपन वाटर का वो लेना है, कोर्स लेना है, और होपफुली उस कोर्स को मैं अंडमान में ही लूँगा। अगर वो हो गया ना यार, तो मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाके ओपन वाटर स्कूबा डाइविंग कर सकता हूँ। आप सोच के देखिए यार, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके स्कूबा डाइविंग करना, एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल होगा। ये छोटे मोटे सपने, बस ज़्यादा कुछ बड़े सपने नहीं है लाइफ में। और ये हैं आज के हमारे इक्विपमेंट्स। सो आई हैव टू वेयर दिस वन ओवर द टॉप ऑफ दिस, और आई हैव टू रिमूव, सो आई हैव टू रिमूव माय टी-शर्ट आल्सो। यस यस प्लीज। धीरे धीरे हमारी सारी तैयारियाँ हो रही हैं। भाई पहले मेरे इधर बॉडी वेट लगाएगा ताकि मैं पानी के अंदर जाऊँ, नहीं तो पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रहूँगा ना। दैट्स व्हाई इट विल टेक यू अंडर द वाटर। And how much is it? This is 8 kilos. 8 kilos. Yes. How much weight I'm carrying total? Like 8 for the weights and around 20 kilos. You लग रहा है मैंने जो मेरा heavy backpack होता था ना वो उठा लिया है। Hopefully जो मेरे साथ मालवन में problem हुई थी वो दोबारा ना हो, क्योंकि मालवन में मेरे कानों में दर्द होने लग गया था तो मुझे जल्दी पानी से निकलना पड़ा था। लेकिन भाई ने एक ट्रिक बताई है, hold my nose and put pressure over my ear. Once you feel ear problem, yeah, you need to close the nose, yeah, and you flow out. Okay. That means equalize. So this is your mask. You're gonna wear it on. Can you stop here, please? Okay. So the moment I breathe from the nose, the problem will go away. So all the time you breathe from the mouth. Okay. Okay. Can you keep it on? Problem. Let's go up, down. I am okay. If you're okay, you do the same sign. I need you to be relaxed with the breathing. No rush. Okay. Let's start. Swim. Slow. You have pressure, okay. So you need to do the pressure to avoid the pressure. What you have to do? I have to close the nose and you blow out once, twice. Until you feel ear pop. It's pain, right? Yes, yeah, pain. So that's why we need to be careful. Slowly, slowly, you go down. नहीं होते ना तो मैं ढंग से डाइविंग नहीं कर पाता। जैसे थोड़ा बहुत नीचे जाता मेरे कान में दर्द होने लग जाता, लेकिन भाई बोले जा 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 नीचे कर करके। फिर मैंने भी खुद को प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं 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 और नीचे जाऊंगा और नीचे जाऊंगा। तो मेरी पहली डाइव तो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पर। जैसे आप अंदर जाते हो ना तो नाक बंद करके आपको कानों के ऊपर प्रेशर डालना होता है, जैसे तो दोनों कानों में से प्रेशर रिलीज होगा और पॉपअप साउंड आएगी।
ओके थैंक्स उमान, टेक केयर एंड कीप इन टच। ओके श्योर ब्रदर। ये थे उमान भाई, मेरे डाइविंग इंस्ट्रक्टर। और मजे की बात, जो पूरी डाइव थी ना, मैं अकेला बंदा था। यार पता ही नहीं चला कैसे हमारे डाइविंग के अंदर 40 मिनट निकल गए। मुझे लगा 10-15 मिनट हुई होंगी, और बाद में जब टाइम देखा तो 40 मिनट हो गए थे, और लगभग ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी हमारी। अभी एक बार मैं जा रहा हूँ होटल के अंदर, और शाम। इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इस वीडियो के स्पॉन्सर स्किल शेयर को। और जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहा था, अगर आपके पास अलग अलग स्किल्स हैं तो आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, और स्किल शेयर उन सभी चीज़ों के लिए एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पर आप अलग अलग टाइप की स्किल्स को गेन कर सकते हो, और जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी, और इवन कॉमेडी के ऊपर, जो मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी। आजकल मैं क्लासेस ले रहा हूँ अरेबिक की, ताकि जॉर्डन के अंदर जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो सकें। और जॉर्डन के बाद मैं जाऊँगा जियोर्जिया, और लकीली स्किल शेयर के ऊपर जियोर्जियन लैंग्वेज के भी क्लासेस हैं। लॉकडाउन के टाइम पर सब लोग घर पर बैठे थे, उस टाइम पर मैंने स्किल शेयर पर सबसे पहले क्लासेस ली थी फोटो एडिटिंग की। जो इंस्टाग्राम पर आप फोटोज़ देखते हो ना, हाँ इंस्टाग्राम पर मैं उतनी फोटोज़ नहीं डालता, लेकिन जो डालता हूँ ना उनके अंदर मैं थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ, और वो एडिटिंग की जो क्लासेस थी मैंने स्किल शेयर से ही ली थी। और ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जिन्होंने मेरी ट्रैवलिंग के टाइम पर काफ़ी हेल्प की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक जो क्लास है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाहूँगा, वो है थॉमस फ्रैंक की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। आपने पिछले 2 महीनों से चैनल के ऊपर काफी चेंजेस फील किए होंगे, वीडियोस टाइम पे आ रही हैं। पहले है ना, मेरे लिए हफ्ते में 2 वीडियो डालना भी बहुत बड़ी बात होती थी, कि मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं उसको अचीवमेंट मानता था। आजकल मैं हफ्ते में 4 वीडियोस डाल रहा हूँ। पिछले 2 महीनों से सिर्फ 2 बार ब्रेक हुआ है, जब कंट्री चेंज किया ना तब थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी, नहीं तो लगातार वीडियोज आ रही हैं बैक टू बैक। हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूँ या बहुत अच्छा हो गया हूँ, लेकिन मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ। जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ ना प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उसके अंदर 10 लेसन है और उसकी टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 5 मिनट। स्किल शेयर की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन, जिसकी कॉस्ट 2400 रुपये से भी कम है। अगर आप उसको मंथली डिवाइड करोगे ना तो 200 रुपये से भी कम बनती है। ट्रैवलिंग के टाइम पर एक टाइम के खाने के से ज़्यादा रुपये लग जाते हैं। एक नॉर्मल शोरमा की कॉस्ट होती है 800 रुपये की। तो इसके अंदर आपको जितनी भी स्किल शेयर के ऊपर क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप अनलिमिटेड कितनी भी क्लासेस को देखिए, और नई नई जो स्किल्स हैं ना उनको एक्सप्लोर करिए यार। और ये सारी की सारी क्लासेस एड फ्री हैं, कोई भी एड्स स्किल शेयर के ऊपर रन नहीं करती। अपने चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए स्किल शेयर की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाली हुई है, उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो जो पहले 2500 लोग होंगे उनको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा। अगर आप में से कोई भी अपनी क्यूरियोसिटी और अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है ना, तो आपको स्किल शेयर पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लर्निंग है वो दुनिया के लीडिंग क्रिएटर्स के थ्रू होगी। और अब निकलते हैं वापस अकाबा के बीच की तरफ, जहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसराइल बॉर्डर तक पहुँच जाऊँ। आप बीच के ऊपर भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, लेकिन जॉर्डन की भी गलती नहीं है, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक कोस्टल सिटी पड़ती है, तो सारा का सारा जो बर्डन है ना वो इसी सिटी के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे आपको दबा के दारू मिलेगी, सब चलता है यहाँ पर। और अकाबा इज़ ए फ्री इकोनॉमिक जोन, तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने हेडक्वार्टर खोले हुए हैं। एक कोस्टल सिटी है तो ऑब्वियसली बात है एक टूरिस्टिक हब होगा। तो इन टर्म्स ऑफ जॉर्डन अकाबा इज़ रियली गुड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। और अकाबा की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। मैंने कहीं पर पढ़ा था अकाबा सिटी की फॉर्मेशन होती है आज से 6000 साल पहले, 4000 BC के टाइम भी ये सिटी एग्जिस्ट करती थी। पहले ये जो फेरोज होते थे इजिप्ट वाले, उनके अंडर आती थी यहाँ। ये एक बहुत बड़ा वो होता था, पोर्ट होता था फेरोज के बाद। फिर ये चली गई बेबीलोनियंस के अंडर, जो बेबीलोन एम्पायर थी। उसके बाद जो पर्शियन एम्पायर थी उसके नीचे आ गई। पर्शियन के बाद जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसका कॉन्क्वेस्ट था, तब अलेक्जेंडर के नीचे आ गई। अलेक्जेंडर के बाद ये आ गई थी रोमन एम्पायर के अंदर, और रोमन एम्पायर ने यहाँ पर काफ़ी लंबा राज किया। और फिर रोमन्स के बाद यहाँ पर आते हैं टर्किश ऑटोमन एम्पायर। जो इसराइल है ना यहाँ से आधी किलोमीटर दूर भी नहीं है, आधी किलोमीटर दूर बाद इसराइल आपके जो सिटी दिख रही होगी थोड़ी बहुत। फिर ये इधर अकाबा बीच में जो वो डीमिलिटराइज जोन जो भी होता है वो। और
अकाबा के अंदर एक बॉर्डर क्रॉसिंग भी है, अगर आप अकाबा से इसराइल जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन शायद अभी कोविड और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए थे इसराइल के अंदर और विद पैलेस्टीन उसके कारण शायद अभी बॉर्डर बंद है। और अभी थोड़ी देर पहले बीच पर आने से पहले जो उमर भाई थे जिन्होंने मुझे सुबह डाइविंग करवाई थी और उन्होंने मुझे बताया कि रात को भी स्कूबा डाइविंग होती है, तो वो बड़ी सारी जो टॉर्च वॉर्च होते हैं वो लेके जाते हैं और फिर रात को स्कूबा डाइविंग करते हैं। और ये बात सुनने के बाद मेरा और मन करने लग गया कि यार मैं जितनी जल्दी हो सके जो पार्टी का लाइसेंस है वो ले लूँगा और फिर जितनी भी कंट्रीज है ना हर कंट्री में जाके मैं स्कूबा डाइविंग क्या करूँगा। और आप भी मुझे बताइए कि आप कंटेंट में और क्या क्या देखना चाहते हो, जैसे स्कीइंग। अब जितनी भी कंट्रीज़ में मैं जाऊँगा अगर वहाँ पर स्नोफॉल होता होगा तो मैं डेफिनेटली वहाँ स्कीइंग करूँगा, स्कूबा डाइविंग करूँगा, स्काई डाइविंग भी मैं जल्दी सीखने वाला हूँ। नॉर्थ इंडियंस के लिए गोवा जन्नत माना जाता है ना, तो जॉर्डन के लोगों के लिए अकाबा गोवा माना जाता है। लेकिन अकाबा के ऊपर प्रेशर बहुत है, छोटी सी कोस्टल लाइन है, उसमें यहाँ पे पोर्ट भी बनाना है, यहाँ पे बीच भी बनाने हैं, यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स भी बनाने हैं, तो क्राउड बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। जी जी बिग क्राउड नो हाउ मेनी मिनट्स इज़राइल दिस इज नाउ दिस स्वीट बॉल हां दैट्स इन नवंबर हां कैंडल्स 10GD good 7GD is good 7GD is good 10GD good very very good good round 7JD is good. No. Brother, what's your name? Osama. Osama, arre, Osama. From where? India. India? Yeah. Oh. You speak English good? Kar doge 1000 rupees kharch. What is this? 7JD. No. 8JD. No. 8JD brother is very good. 900 rupees the mere paas. To 900 rupees mein main na ye speed boat ride leke aaunga. This one? मेरा मन है इसराइल के पास जाने का, इसलिए ले रहा हूँ मैं, बाकी और कोई आप उधर जा नहीं सकते। इसराइल के जस्ट बॉर्डर के पास होटल्स बना रखे हैं और वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। यस ब्रदर, नियर इसराइल, यस बिग राउंड, यस। ऐसे एक्सपीरियंस बहुत कम मिलते हैं जहाँ पे 3-4 कंट्रीज के बॉर्डर लगते हो और वहाँ पे आप बॉर्डर के साथ खेल रहे हो। यस म्यूजिक, मेरा जो मन था वो गाने नहीं बज रहे। चार मिनट की बोट राइड थी और 4 मिनट में भाई का 1 लीटर तेल नहीं फूका होगा। ये जो फ्री स्टाइल वाले बंदे होते हैं ना, फ्री स्टाइल पार्कोर, इनकी अपनी एक गैंग होती है और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा, इनके जो गाने की चॉइस होगी, वो अलग लेवल पर ऑपरेट करती है। बाकी अब तक जॉर्डन में मैंने जितने दिन बिताया ना, उनको देख के एक बात तो समझ आ गई है कि जो अरब्स है ना वो भी म्यूज़िक के बड़े शौकीन हैं। यार बोट्स के अंदर गाने कौन रखता है? मैंने अब तक थाईलैंड के अंदर देखी, इंडिया के अंदर देखी स्पीड बोट्स, लेकिन उनके अंदर म्यूज़िक नहीं देखा था मैंने। और कल सुबह मैं निकल रहा हूँ वादी रम की तरफ। वादी रम या तो जॉर्डन की सबसे फेमस डेस्टिनेशन है या सेकंड मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन है।